नमस्कार। साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं साप्ताहिक मुख्य समाचार के साथ। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का लिया निर्णय। घोषाध्य 4 देशों में किया गया, भारत को भी शामिल। विवाह के लिए आयु निर्धारण करने हेतु गठित कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपा। पदोन्नति में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को दिया नया आदेश। अमेरिका के बाद ओपन स्काई समझौते से अब रूस भी हुआ अलग। यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत को इस वर्ष के जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भाग लेने के लिए किया गया आमंत्रित। उच्चतम न्यायालय द्वारा यमुना नदी की जल गुणवत्ता की स्थिति पर मांगी गई रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 और नीति आयोग द्वारा जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया। साल 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में तथा साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारमैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी जी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस से अलग होकर साल 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने कटक के ही रेवेसाओ कॉलेजिएट स्कूल से की, जिसके बाद नेताजी ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में साल 1913 में दाखिला लिया। उसके बाद 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा को प्रथम श्रेणी में पास किया। फिर सुभाष चंद्र बोस के माता पिता ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजों के जमाने में किसी भारतीय का इस परीक्षा में पास होना तो दूर, इसमें भाग लेना तक कठिन होता था। इस सब के बावजूद नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी। ये खबर मिलते ही नेताजी भारतीय प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए, जहां महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। इसलिए नेताजी गांधी जी के विचार से पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। हालांकि दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि भारत को आजाद कराया जाए। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा और नेताजी ने अंग्रेजों का विरोध करना तेज कर दिया, जिसके बाद उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि वो बीच में जर्मनी भाग गए। यहां उन्होंने विश्व युद्ध को बड़े करीब से देखा, साथ ही युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग भी ली। यही नेताजी ने सेना का गठन भी किया। जब वो जापान में थे तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक राज बिहारी बोस ने उन्हें आमंत्रित किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद नेताजी ने इस फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे कोरिया, चीन, जर्मनी, जापान, इटली और
आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, पहुंचे। यहां उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। तथ्य बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज में सवार होकर मंचूरिया जा रहे थे, लेकिन इसके बाद वो अचानक लापता हो गए और आज तक उनकी मौत एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजटीय भाषण में मातृ मृत्यु दर को कम करने और माताओं के पोषण स्तर में सुधार पर जोर दिया था। साथ ही मातृत्व में प्रवेश करने वाली लड़की की आयु निर्धारण हेतु एक समिति को गठित किए जाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था और इसी दिशा में आगे माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति तथा विवाह एवं मातृत्व की उम्र के परस्पर संबंध की जांच करने के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया था। हाल ही में जया जेटली की अध्यक्षता वाली कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपी। अभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में कानून के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित है, परंतु स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान कानून पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं में प्रारंभिक गर्भावस्था के जोखिमों को कम करने तथा लैंगिक तटस्थता लाने हेतु महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना आवश्यक है। प्रारंभिक गर्भावस्था का संबंध बाल मृत्यु दर में वृद्धि से होता है तथा यह मां के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच की किशोर माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों में 20 से 24 वर्ष के बीच की युवा वयस्क माताओं से पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में 5% तक कद में बौने रह जाने की संभावना होती है। अगली खबर, उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से वर्ष 2006 में संविधान पीठ द्वारा एम नागराज मामले में दिए गए निर्णय को लागू करने के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिए कहा है। अगर बात करें एम नागराज मामले की, तो यह संबंधित है 77वें संविधान संशोधन से। 1995 में इस संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 16 में एक उपबंध 4A जोड़ा गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि एम नागराज मामले में 5 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू किया जाना बरकरार रखा था। अब यहां केंद्र का यह कहना है कि विभिन्न मुद्दों पर एससीज और एसटीज को पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा को शुरू करने के अपने फैसले की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा आरक्षण के लाभ से इन्हें वंचित कर सकता है। 77वें संविधान संशोधन की वैधता को एम नागराज मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4)(a) की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन राज्यों को कुछ निर्देश भी दिए गए, जैसे राज्य पदोन्नति के मामले में एससीज और एसटीज समुदाय को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कोई राज्य पदोन्नति में एससीज और एसटीज समुदायों को आरक्षण प्रदान करना चाहता है, तो उसे उस वर्ग के पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा जिसे वह आरक्षण प्रदान करना चाहता है। अनुच्छेद 335 का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा राज्य को सार्वजनिक रोजगार में
उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाना होगा। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि इन्हें समान अवसर प्रदान किया जा सके। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा 50% की आरक्षण सीमा के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। अगली खबर, हाल ही में चैटम हाउस द्वारा ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन की भावी विदेश नीति का खाका पेश करने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में यूनाइटेड किंगडम के लिए भविष्य के मार्ग की एक सुस्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों चैटम हाउस की रिपोर्ट में दुस्साध्य 4 में भारत को रखा गया। चैटम हाउस ब्रिटेन की एक सदी पुरानी नीति संस्थान है। इसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। चैटम हाउस द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में रूस, तुर्की, सऊदी अरब और भारत को दुस्साध्य 4 यानी डिफिकल्ट 4 देश का नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है कि इन देशों में नागरिकों के पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता नहीं। इस सवाल का जवाब है कि भारत की घरेलू राजनीतिक घटनाओं की आलोचना के कारण इसे दुस्साध्य 4 देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसका कारण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस प्रकार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हिंदू राष्ट्रवाद द्वारा मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है तथा किस प्रकार नेहरू द्वारा विरासत में छोड़े गए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के दृष्टिकोण को असहिष्णु बहुलवाद द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है। यह चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत एक उदार लोकतंत्र का प्रतिकूल समर्थक है और भारत का मानवाधिकारों के हनन के बारे में अस्पष्ट नजरिया है। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर, जो संबंधित है ओपन स्काई समझौते से। हाल ही में रूस ने ओपन स्काई समझौते से अलग होने की घोषणा की है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने यह कदम अमेरिका के इस संधि से अलग होने के कारण उठाया। मई 2020 में ट्रंप प्रशासन ने ओपन स्काई समझौते से हटने के अपने इरादे की घोषणा की थी। नवंबर माह में अमेरिका ने यह कहते हुए ओपन स्काई संधि से स्वयं को अलग कर लिया था कि रूस द्वारा इस संधि का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। रूस के इस निर्णय ने वैश्विक स्तर पर कई चिंताओं को जन्म दिया है। जैसे, क्या है ओपन स्काई समझौता? ओपन स्काई समझौते में 30 से अधिक देश शामिल हैं। इसके तहत भागीदार देशों को समझौते में शामिल अन्य देशों के किसी भी भाग के ऊपर हथियार रहित तो ही विमान उड़ाने की अनुमति दी गई है। 2002 में प्रभावी हुए ओपन स्काई समझौते के आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के मध्य विश्वास पैदा करना और इस प्रकार आकस्मिक युद्ध होने की संभावना कम करना। वहीं इस समझौते की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे, अमेरिका ने रूस पर यह आरोप लगाया कि रूस कई सालों से लगातार विभिन्न तरीकों से समझौते की अवहेलना और उल्लंघन कर रहा है। वहीं रूस ने अपने इस निर्णय का मुख्य कारण यह बताया है कि अमेरिका द्वारा समझौते से अलग हो जाने से अमेरिकी क्षेत्र तक रूस की पहुंच सीमित हो जाएगी, जबकि वाशिंगटन के यूरोप में सहयोगी देश रूसी क्षेत्र में टोही उड़ान भर सकने में सक्षम रहेंगे, जिससे एकत्रित की गई खुफिया जानकारी अमेरिका को सौंपी जा सकती है। अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो कि बाल्टिक क्षेत्र में रूसी सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए ओपन स्काई संधि के डेटा पर निर्भर है। ओपन स्काई संधि से अमेरिका और रूस की वापसी के कारण फरवरी 2021 में समाप्त होने वाली नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्टार्ट न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के पुनः नवीनीकरण पर संदेह गहरा गया है। भारत भले ही इस संधि में शामिल नहीं है, परंतु
अमेरिका रूस के बीच अगर तनाव में वृद्धि होती है तो भारत के लिए दोनों देशों के मध्य संतुलन स्थापित करना अपने आप में एक चुनौती होगी। मुक्त आकाश संधि या ओपन स्काई समझौता को सबसे पहले 1955 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ताकि शीत युद्ध के दौरान तनाव को कम किया जा सके। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो सदस्यों और पूर्ववर्ती वारसा संधि में शामिल देशों के बीच मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर समझौते के प्रभावी होने की बात करें तो यह समझौता वर्ष 2002 में प्रभावी हुआ। कोई देश मेजबान देश को 72 घंटे पहले नोटिस देने और 24 घंटे पहले अपने उड़ान मार्ग की सटीक जानकारी साझा करने के बाद उसके किसी भाग का हवाई चित्रण कर सकता है। इस प्रकार एकत्रित की गई सैन्य संचालन, सैन्य अभ्यास और मिसाइल तैनाती आदि सहित अन्य महत्वपूर्ण सामरिक जानकारियों को सभी सदस्य राज्यों के साथ साझा किया जाना आवश्यक है। देखते हैं अगली खबर। खबर यह है कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत को जून 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आमंत्रण इसलिए महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 सदस्य देश था, और ब्रिटेन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से पहला देश था। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में अमेरिका द्वारा भी भारत को शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था, परंतु यह सम्मेलन कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका। G7 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर G7 सदस्यों से विचार विमर्श करने के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध कराता है। G7 सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ब्रिक्स और G20 आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हिस्सेदारी के साथ भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। G7 की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। यह विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों को एक साथ लाने वाला एक अनौपचारिक फोरम है। G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। G7 का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करना है। समय समय पर यह आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के अलावा अन्य वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए सहमति से कार्य करता है। G7 के अंतर्गत शामिल देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 1998 में रूस को औपचारिक रूप से G7 समूह में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसके पश्चात G7 समूह G8 में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2014 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तैनाती तथा क्रीमिया पर कब्जे को लेकर अन्य G8 राष्ट्रों ने इन कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की। G8 समूह के अन्य राष्ट्रों द्वारा रूस को G8 समूह से निलंबित करने का निर्णय किया गया तथा वर्ष 2014 में पुनः G8 G7 में परिवर्तित हो गया। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नियुक्त यमुना निगरानी समिति से यमुना की जल गुणवत्ता स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। 13 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने नगर पालिकाओं की लापरवाही के कारण गंदे नाले के अपशिष्टों द्वारा नदियों के प्रदूषित होने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया था। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि नदियों सहित खुले सतही जल संसाधन मानव सभ्यता के लिए जीवन रेखा है। यमुना के अत्यधिक प्रदूषित होने संबंधी कारणों को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर जल में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
या दूषित जल उपचार संयंत्र यमुना में प्रभावित होने वाले प्रदूषकों के प्रमुख कारक हैं। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित प्रदूषकों का स्राव भी एक प्रमुख विषय है। खेतों से कृषि अपशिष्टों और कीटनाशकों का स्राव भी प्रदूषण में योगदान करता है। नदी में जल स्तर के कम होने से प्रदूषक तत्व जमा हो जाते हैं, जिससे प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। मनुष्यों द्वारा एक स्तर से अधिक के अमोनिया स्तर वाले जल के लंबे समय तक पीने के कारण उनके आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है। नदी में अमोनिया की उच्च सांद्रता मछलियों के लिए भी हानिकारक है। अब हम बात करते हैं अडॉप्टेशन गैस रिपोर्ट 2020 की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत वर्ष 2050 तक लगभग चौगुनी हो जाएगी। अब हम एक नजर डालते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर। 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। मौजूदा अनुमान के अनुसार विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वर्तमान लागत $70 बिलियन है, जो कि वर्ष 2030 तक $140 से $300 बिलियन और वर्ष 2050 तक $280 से $500 बिलियन हो जाएगी। अनुकूलन लागत में अनुकूलन उपायों की योजना बनाने, उसकी तैयारी, सुविधा प्रदान करने और उन्हें लागू करने की लागतों को शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि यदि पेरिस समझौते के तहत सभी देश कार्बन कटौती संबंधी वर्तमान प्रतिबद्धताओं का पालन करते भी हैं, तो भी सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में वर्ष 2020 में कोरोना महामारी सहित बाढ़, सूखा, तूफान और वनाग्नि जैसी विनाशकारी आपदाओं से प्रभावित होने वाले लोगों का अनुमान लगाया गया है, जिसने लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। पहली अनुकूलन गैप रिपोर्ट 5 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की। यह रिपोर्ट पेरू के लीमा में जलवायु वार्ता के एक महत्वपूर्ण दौर के दौरान जारी की गई थी। अनुकूलन गैप रिपोर्ट वित्त, प्रौद्योगिकी और ज्ञान में वैश्विक अनुकूलन अंतराल के प्रारंभिक मूल्यांकन के रूप में कार्य करती है। यह उन अंतरालों को दूर करने के भविष्य के काम के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करता है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो संबंधित है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। नीति आयोग ने इंडेक्स का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी किया था। नीति आयोग द्वारा इस इंडेक्स को जारी करने का आखिर उद्देश्य क्या है? अब बात करते हैं भारत इंडेक्स 2020 की प्रमुख विशेषताओं की, तो इंडेक्स की माप के दो आधार हैं। पहला समर्थक स्तंभ और दूसरा प्रदर्शन स्तंभ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राज्यों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो हम पाते हैं कि देश के सभी राज्यों और प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों को उजागर करके उनकी नवाचार नीतियों को बेहतर बनाना, राज्य नवाचार में सबक लेने में सक्षम बन सकें, साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना ताकि प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा मिल सके। इस इंडेक्स के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों और 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसमें 36 संकेतक शामिल हैं। समर्थक स्तंभ में मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान, बिजनेस एनवायरमेंट, सुरक्षा और कानूनी परिवेश इन 5 तत्वों को शामिल किया गया है। ये 5 तत्व राज्य में नवाचार परिवेश के लिए इनपुट निवेश के तौर पर कार्य करते हैं। वहीं प्रदर्शन स्तंभ में ज्ञान सृजन,
ज्ञान प्रसार, इन दो तत्वों को शामिल किया गया है। ये संकेतक माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक इन दोनों पहलुओं को कवर करते हैं। कर्नाटक 42.5 का स्कोर प्राप्त कर प्रथम स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र 38 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु 37.91 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। इस इंडेक्स में बिहार 14.5 अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा। उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश 25.06 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर, जबकि मेघालय को 12.15 स्कोर के साथ अंतिम स्थान दिया गया है। कुल 46.60 स्कोर के साथ केंद्र शासित शहरी राज्यों में दिल्ली ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद चंडीगढ़ और दमन द्वीप थे और इस इंडेक्स में 11.71 स्कोर के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर रहा। इस समाचार के साथ इस अंक को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।